आपकी वाइफ जो थी वो हाउसवाइफ थी, कोई काम करती थी या वर्किंग? हाँ, मतलब उन्होंने बीएससी की हुई थी। अच्छा। और फिर जब शादी हो गई तो हमने खूब मजे मजे किए, सारे मैंने की। फिर जब बच्चे हो गए तो उसने डिसाइड कर दिया उसका फेट के, यानी बेटी हमारी हुई तो फिर वो लग गई उस काम से। अच्छा। और आई थिंक शी डिड अ ग्रेट जॉब एज अ मदर रेजिंग चिल्ड्रन। हाउ मेनी किड्स? दो मेरी बेटियां। अच्छा, माशाल्लाह। और एक बेटा है। एक बेटा है। नाम तो बताएं मुझे, रिसर्च में नाम भी नहीं पता चले कुछ। अच्छा, नहीं लगा। वो जो मेरी बेगम है उसका नाम ताहिरा है। अच्छा। और जो मेरी बड़ी बेटी है उसका नाम हिबा है। अच्छा। और वो न्यूरोलॉजिस्ट है। अरे बाप, बाप भाई। और जो उससे छोटी है उसने भी सीए फाइनलिस्ट है वो। अच्छा। और उसकी शादी हुई है, एक उसका मियाँ भी सीए है। बहुत बहुत ही स्वीट, बहुत मजे का है उनका। आपकी दूसरी बेटी का नाम क्या? उसका नाम है एनी। अच्छा, बड़ी वाली का नाम क्या था? हिबा। हिबा, देन एनी। अच्छा, और जो बेटा है उसका नाम हसन है। अच्छा, माशाल्लाह। और वो भी चार्टर्ड अकाउंटेंट? वो चार्टर्ड। अरे बाप रे, तो चार्टर्ड अकाउंटेंट तो पता नहीं पांच दफा फेल होते हैं तो जाके छठी दफा। तो आपके बच्चे माशाल्लाह इतने पढ़ाकू बच्चे, घर का माहौल बहुत पढ़ाकू। बेटी जो है वो क्योंकि एपिलेप्सी में उनका बड़ा वो है, वो एक सेंटर इस तरह चलाती भी थी, तो उस वो सेंटर शुरू किया था प्रोफेसर हसन अजीज ने, तो उनसे मेरी थी दोस्ती, मतलब वो जानते भी थे, उनकी बेगम से भी थी, तो वो मुझे बहुत कहा करते थे, कहते तेरी बेटी तेरे से ज्यादा लायक है अर्शद। मैंने कहा अच्छा। तो आप क्रेडिट अपनी वाइफ को देते हैं कि मेरे बच्चे पढ़ाकू हैं और मैं तो घर होता ही बहुत कम था जो जिस तरह के काम थे हमारे। हाँ, तो आप अभी ऑन स्क्रीन कह रहे हैं वैसे या कॉम्प्लीमेंट देते रहते हैं ताहिरा साहिबा को? हाँ, कि आपने बहुत अच्छे नहीं, नहीं काफी लोगों ने दिए, मतलब उसको और जो भी हमारे करीबी दोस्त हैं, मतलब सायरा है और राहत, इनसे तो है उसकी। हाँ। तो वो भी तारा को ही कहते हैं कि इसने ये घर संभाला है। देखिए, मैं ये कहती हूँ कि मैं यानी मकान को, वो कहते हैं ना मकान को घर बनाने वाली औरत हूँ।